वेलकम टू कैरिस पार्क। आज के वीडियो में हम सोनेट पर डिस्कस करेंगे। सोनेट पोएट्री की बहुत ही फेमस फॉर्म है और मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सोनेट से ही होते हैं। अदर्स जो फॉर्म्स हैं उनसे कम क्वेश्चन आते हैं, बट सोनेट से अधिक क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे सभी पॉइंट को जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सभी को कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। ए सोनेट इज अ वर्स फॉर्म ऑफ 40 लाइन्स। सोनेट क्या होता है? 40 लाइन्स की पोइम होती है। इसमें जो लाइन्स होती हैं 40 ही होती हैं, 14 से कम नहीं होती हैं। और इट इज अ लिरिक पोइम। अ सोनेट इज मस्ट बी रिटन आयम्बिक पेंटामीटर। जो लिखा जाता है वह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। द टर्म सोनेट इज ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड या लिरिकल स्मॉल सॉन्ग। जो सोनेट वर्ड है वह इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सोनेट होता है वह इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, विच मीन्स होता है छोटी सी आवाज या लिरिक स्मॉल सॉन्ग, छोटा सा 14 लाइन का सॉन्ग। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें राइमिंग स्कीम होनी चाहिए। इसको अरेंज्ड 40 लाइन्स के अंदर किया जाता है और इसका जो कंटेंट होता है बहुत ही डिसिप्लिन होता है। इसमें राइमिक होना बहुत ही कंपलसरी है। इसमें सिलेबल्स का यूज किया जाता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से सोनेट के अंतर्गत 40 लाइन्स में ही जो बात अपनी पोएट रखता है वो 40 लाइन्स के अंदर ही कवर करता है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उसके बाद पोएट खुद ही उसका सॉल्यूशन देता है। इसमें कुछ वर्ड जो कि पोएम के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे ऑक्टिव क्या होता है, सेस्टेट, क्वाट्रेन और टर्सेट। ऑक्टिव क्या होता है? हमारी 40 लाइन्स की पोइम होती है और जो ऊपर की 8 लाइन होती हैं उसको कहा जाता है ऑक्टिव, ठीक है। और नीचे की जो 6 लाइन हो गई उसको कहा जाता है सेस्टेट। ऑक्टिव और सेस्टेट पेट्रा कंसोनेट में यूज होता है। मिल्टन ने भी ऑक्टिव और सेस्टेट का यूज किया था। क्वाट्रेन इसमें ए स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइनों के स्टेंजा होते हैं जिसमें 4 लाइन्स होते हैं, जिसको कहते हैं क्वाट्रेन। जबकि टर्सेट्स में क्या होता है, इसमें 2 स्टेंजा होते हैं जो 3 लाइन्स के होते हैं, इनको कहते हैं टर्सेट्स। वर्ड है कपलेट। कपलेट भी शेक्सपियर ने यूज किया था। इसमें 2 लाइन्स होती हैं जिसको हिंदी में कहते हैं दोहा, ओके। तो पोइम होती है उसका कंक्लूजन लास्ट के 2 लाइन्स में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो पोएम में यूज होते हैं और ये एग्जाम में आते हैं। टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले हम इटालियन सोनेट और शेक्सपियर सोनेट को डिस्कस करेंगे, बाकी के बाद में करेंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए और इनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इटालियन सोनेट को ही पेट्राकन और क्लासिकल सोनेट कहते हैं। पेट्राकन एक काफी फेमस पोएट हैं इटली के और उन्हीं के नाम पर ये सोनेट बना था। पेट्राकन से पहले दांते ने भी सोनेट लिखे थे, बट तो पेट्राकन का नाम अधिक आता है क्योंकि इन्हीं के बाद से सोनेट को एक नाम मिला था। पेट्राकन को सोनेट ऑफ द फादर कहा जाता है, लेकिन जब इंग्लिश के सोनेट की बात की जाती है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश या इंग्लैंड सोनेट, तो उस समय थॉमस वाइट का नाम लिया जाता है, ओके। शेक्सपियर सोनेट के भी कई नाम है, जैसे एलिजाबेथन या इंग्लैंड या इंग्लिश सोनेट। राइमिक स्कीम है इटालियन की ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई डी और सी ई। इसमें क्या होता है, 8 लाइन्स होते हैं इसे ऑक्टिव और 6 लाइन को कहते हैं सेस्टेट। सोनेट के अंदर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखाई जाती है। पहले जो 8 लाइन होती है इसे ऑक्टिव कहा जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स बताता है पोइट की, इस प्रकार का दुख है या इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद स्वयं ही वह सॉल्यूशन देता है और पेट्राकन सोनेट की जो थीम थी वह लव के ऊपर थी। शेक्सपियर सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है बहुत ईजी है, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी, और इनकी राइमिंग स्कीम टी जी टी पी जी टी में तो आती है, इसके अलावा नेट में भी ये इनकी राइमिंग स्कीम आई है। इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन इनका डिवाइडेशन का अलग तरह का है। इन्होंने इसको 3 क्वाट्रेन और 1 कपलेट में किया है। 3 क्वाट्रेन में क्या होता है, मैं डिस्कस किया था कि 4 लाइन्स होती हैं, 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं जो कि 12 हो गए। उसके बाद 1 कपलेट होता है जिसमें 2 लाइन्स हो जाती हैं। टोटल जो हो गई हमारी लाइन्स वो हो गई 14।
तो ऊपर की जो 12 लाइन होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, नीचे का जो कपलेट होता है उसमें सोल्यूशन दी जाता है। शेक्सपियर की सोनेट की जो थीम थी वह लव और लव इज लाइफ के ऊपर थी। शेक्सपियर ने जो टोटल सोनेट लिखे थे 154 लिखे थे। टाइप्स ऑफ सोनेट, जिसमें स्पेंसियन सोनेट, स्पेंसियन सोनेट की जो राइमिक स्कीम है वह ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी और डबल ई। इन्होंने 3 क्वार्टर और 1 कपलेट किया है। शेक्सपियर की तरह ही इन्होंने अपना सोनेट को डिवाइड किया है 40 लाइन्स को, और इनकी जो थीम थी वह थी डेंजरस ब्यूटी ट्रू लव। मिल्टोनिक सोनेट, ये मिल्टन के द्वारा लिखे गए थे इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट कहा जाता है। ही एक्सेप्टेड पेट्राकन सोनेट, मिल्टन ने पेट्राकन की पूरी जो था राइमिक स्कीम और 40 लाइन्स को डिवाइडेड करने का जो पैटर्न था सेम है, और पूरा ही इन्होंने पेट्राकन सोनेट्स को ही फॉलो किया है, केवल इन्होंने थीम में चेंज कर दिया है। जो पेट्राकन की थीम थी वो पहले लव के ऊपर थी, बट मिल्टन ने उसमें लाइफ और डेथ को भी शामिल कर दिया है। ओनली ब्राइडनेस, जिसमें वह काफ़ी सोरो दिखाता है, अपसेटिंग दिखाता है, और इसका जो मिल्टन की जो सोनेट्स थे उसमें सीरियस टाइप के सोनेट्स थे। मिल्टन ने के बाद ही सोनेट का जो थीम थी वह चेंज होने लगी थी, उससे पहले जो थीम होती थी वह लव के ऊपर ही होती थी। मिल्टन ने जो टोटल सोनेट्स लिखे हैं वह 24 सोनेट्स लिखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो राइमिक थीम है वह मिल्टन की तरह ही है से, और इनका जो फेमस है सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस काफ़ी फेमस है, और बहुत कुछ मिल्टन के सोनेट से ही मिलता है। पी बी सैली ने भी सोनेट्स लिखे हैं, और इनकी जो सोनेट्स की जो राइमिक स्कीम थी वह ए बी ए बी ए सी डी सी ई डी ई एफ और ई एफ। मॉडर्न सोनेट्स 20th सेंचुरी में लिखे गए थे, और इनकी जो खास बात यह थी कि इसमें कोई भी राइमिक स्कीम नहीं होती थी, जैसा कि सोनेट के अंदर राइमिक स्कीम होना ज़रूरी होता है, बट मॉडर्न सोनेट में राइमिक स्कीम नहीं थी। फेमस सोनेट जो लिखे थे वो डब्ल्यू एच ऑर्डन और रॉबर्ट लॉरेन ने लिखे थे। कर्ट सोनेट की भी अलग तरह के सोनेट्स होते थे, एंड लाइन्स और वन जो हाफ लाइन थी 10.5 लाइन के सोनेट्स होते थे कर्टल सोनेट में, जो कि जो फेमस सोनेटर हैं वे थे जी एम हॉकिंस। टेरेजा रायमा सोनेट्स, ये भी काफ़ी फेमस सोनेट्स रहे हैं, 14th सेंचुरी में इंग्लिश पोइट्री में लाने का श्रेय जाता है चौसर और थॉमस वाइट को। इसके अलावा रोमांटिक पोइट्स हैं जैसे ब्रायन सेली, इन्होंने भी टेरेजा रायमिक सोनेट्स में अपने कुछ सोनेट्स लिखे हैं। चलिए इसे देख लेते हैं कि राइमिक स्कीम क्या होती है। शेक्सपियर की जो राइमिक स्कीम है वेरी इजी है, तो सन जो लास्ट वर्ड होता है उससे राइमिक स्कीम निकाली जाती है। जैसे सन, सन के बाद हम देखते हैं जो बोलने में सेम उच्चारण निकलता है, सन के बाद डन, तो ये ए हो गया तो ये भी ए हो जाए क्योंकि ये सेम है। रेड और हेड, तो रेड को हम बी दे देंगे और हेड भी उसका सेम तरह का उच्चारण है इसलिए बी। फिर वाइट और डिलाइट, ठीक है ना, तो फिर इसको दे देंगे सी और सी। चीक्स रिक्स, तो ये हो गया डी, ठीक है। तो हमारी राइमिक स्कीम क्या बन रही है, ए बी सी डी नो गो ई और ई। साउंड, साउंड और ग्राउंड, ये हो गया एफ और एफ ई एफ ई एफ। लास्ट के जो दो वर्ड होते हैं वह कपलेट होता है जी जी, जैसे रेयर एंड कंपेयर, ये लगातार सेम राइमिक के वर्ड हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा राइमिक स्कीम किस तरह से निकाली जाती है। सम इम्पोर्टेंट सोनेट्स, एक तरफ जो पोइट है दूसरी तरफ इन्होंने जो सोनेट्स लिखे थे उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया था, और कुछ जो पोइट्स थे उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया था, जैसे सर फिलिप सिडनी, और इनके जो सोनेट्स का जो पूरा वॉल्यूम था उसको कहते थे एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। एक्सपिन सोनेट हैं वह किसके ऊपर लिखे थे, तो इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू एच और डार्क लेडी के ऊपर लिखे थे। उसके इनका सोनेट्स है, इन्होंने पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया था। जॉन डोनी का हॉली सोनेट्स है, विलियम बर्स का रिवर ड्यूडन और एजिलेस्टिकल्स, एंड जॉर्ज मैथिन का है मॉडर्न लव, जबकि स्पेंसर का है एमोटी। सोनेट्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, यदि फिर भी आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोनेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, डोंट मिस दैट वीडियो।
वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।